हेलो माय गॉर्जियस फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल माय गॉर्जियस फेस। ये लुक आप देख सकते हो, ये है फेस्टिव मेकअप लुक। जैसे दिवाली जैसे फेस्टिवल अभी आ रहे हैं और उसमें किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं ये लुक क्रिएट करने के लिए, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है मेबलिन स्ट्रोब क्रीम का। ड्यूई सा मेकअप चाहिए इसलिए मैंने स्ट्रोब क्रीम का यूज़ किया। देन यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ नायका कंसीलर पैलेट का, ऑरेंज कंसीलर में पिक किया है। और मेरे अंडर आई एरियाज़ पे जहाँ पर भी थोड़ा डार्क एरिया है वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। डीप सेट आईज़ है इसीलिए मुझे अप्लाई करना होता है, बाकी बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस मेरे फेस पर नहीं है। देन उसे अच्छे से सेट भी करना है, सिर्फ एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं तो सेट करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैं फाउंडेशन आज यूज़ कर रही हूँ वो है मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन, जो कि है 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन, जो कि बिल्कुल भी ग्रीसी सा फील नहीं देता, मैट ऐसा फिनिश देता है स्किन पे। यहाँ पे जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का, और सुपर अफोर्डेबल ऐसा ये कंसीलर है। अगर आप चाहते हो कम प्राइजेस में कोई अच्छा सा कंसीलर तो आप स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ, कोई भी क्रीम एप्लीकेशन के बाद सेट करो ताकि वो दिन भर अच्छे से फेस पर रहे और बिल्कुल भी ग्रीसी और स्टिकी सा फील आपको ना दे। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो ब्रोज़ को स्कल्प कर रही हूँ, ब्रोज़ को स्कल्प करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मैं हर एक वीडियो में आपको सजेशन देती हूँ कि ब्रोज़ को हमेशा स्कल्प किया करो। लॉरियल पैरिस ब्रो आर्टिस्ट का यूज़ यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद स्पूली की हेल्प से, स्पूली मतलब एक ब्रश होता है जो उसके पीछे होता है, देखो जैसे मैं कर रही हूँ, उस ब्रश के हेल्प से मेरे हेयर्स को, जो ब्रो हेयर्स है उसे मैं कोम कर रही हूँ नेचुरल फिनिश के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो है हुडा ब्यूटी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आई शेडो पैलेट। उसमें से लाइट कलर को पिक करके मैंने क्रीज के ऊपर ऐसे अप्लाई कर लिया है और अच्छे से उसे ब्लेंड भी कर रही हूँ। ब्लेंडिंग इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, दोनों आई को कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि मैं किस तरह के लुक क्रिएट कर रही हूँ। और एक इस वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया है वो भी आप देख लीजिए कि क्या मैंने मिस्टेक किया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डार्क कलर को मैंने पिक किया है और सिर्फ आउटर कॉर्नर और थोड़ा सा इनर कॉर्नर तक मैं उसे लेके जा रही हूँ। पूरा बहुत ज़्यादा फैला के नहीं लगाना है, जस्ट उसे आउटर कॉर्नर पे लगाकर इनर कॉर्नर की तरफ खींचना है। देन यहाँ पर मैं जो शिमर यूज़ करी हूँ गोल्ड शिमर है, क्योंकि मेरे ड्रेस में गोल्ड ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है तो गोल्ड वाला जो शिमर है उसे मैंने अप्लाई कर लिया है मेरे इनर कॉर्नर पर। फिंगर से कभी भी शिमर यूज़ कर रहे हो फिंगर का यूज़ करो ताकि वो फिंगर से अच्छे से बैठ जाता है। अगर आप ब्रश से करो लगाओगे तो उसका वो जो शिमर है वजह से इसके वो जो आय है उसके ऊपर बैठता ही नहीं है, उड़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं जो लाइनर यूज़ कर रही हूँ वो है इनग्लोट लिक्विड लाइनर। इनग्लोट लाइनर में दो लाइनर होते हैं, एक तो जेल लाइनर होता है और ये लिक्विड लाइनर है जो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। जेल लाइनर होता है वो आपके लिए उसे ब्रश की ज़रूरत लग सकती है। वो दोनों भी बहुत डार्क ऐसे लाइनर हैं, अगर आपको डार्क ऐसे इंटेंस डार्क चाहिए तो आप इनग्लोट के पास जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, मस्करा लगा रही हूँ, मेबलिन का है मेबलिन का मस्करा यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और मैंने जो कहा था कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, मैं अपने लेंसेस लगाना भूल गई हूँ। पूरा आई मेकअप कंप्लीट कर लिया, मैंने लेंसेस लगाए ही नहीं, बाद में याद आया कि अरे इस मेकअप लुक में मुझे लेंसेस लगाने थे, देन मैंने लगा लिया, देखो मुझे याद आ गया। और मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर के लेंसेस अप्लाई कर लिए हैं। आप ऐसे मत कीजिए, क्योंकि जब आप आई मेकअप कर लेते हो, पूरा मेकअप कर लेते हो और लेंसेस अप्लाई करोगे तो आँखों से पानी आएगा और मेकअप ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, आँखों से पानी भी आया मगर मैंने उसे सेट कर लिया। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर का, मेबलिन का ही ब्लशर है ये, बहुत प्रिटी कलर देता है, वॉर्म ऐसे टोन है इसका। नेक्स्ट हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैंने आज मेबलिन के ही यूज़ किए हैं, तो हाइलाइटर भी है, मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ किया है मैंने। फेस्टिवल है तो शाइन करना ज़रूरी है, हाइलाइट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिप्स को लाइन करके ले रही हूँ,
आज मैं रेड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ फेस्टिव लुक के लिए, सो उसे लाइन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने मैक रूबी वू करके एकदम फेमस ऐसा फेवरेट बहुत सारे लोगों में ऐसा पॉपुलर ऐसा शेड यूज़ कर रही हूँ मैं, जो है मैक रूबी वू। और ये प्रिटी सा कलर मैंने अप्लाई कर लिया है। हाँ गाइस, मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है सेम लुक के साथ, वो भी मैं मेरे फेस्टिव लिपस्टिक्स आपके साथ शेयर करने वाली, जल्दी आने वाला है। और यहाँ पर मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।